किसान सब्जी थोक व्यापारी संगठन के द्वारा इस बैठक में बड़ी संख्या में किसान एवं व्यापारियों ने भाग लिया। इस संगठन की अध्यक्ष देव खट्टिक अपनी समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि मंडी नहीं होने की वजह से किसान एवं व्यापारियों सही से व्यापार नहीं कर पा रहे। इस कार्यक्रम में के अतिथि के तौर पर आए भाजपा एवं जदयू के सम्मानित राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता श्री अशोक प्रसाद, श्री मनीष खट्टिक, श्री लक्ष्मण झुनझुनवाला, पिंटू महासेठ, जदयू नेता माधव झा एवं ईश्वर चंद्र ठाकुर जी एवं मिथिला सब्जी विपणन सरकारी संघ के अध्यक्ष माधवेंद्र ठाकुर जी उपस्थित रहे। इस समस्या के मुख्य कारण दरभंगा में फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण न होने, इसी कारण सुभाष चौक से लेकर शिवाजी नगर के सड़क किनारे मंडी लगाने पर मजबूर है। कि आपके द्वारा, क्योंकि मैं आप ही के समाज से और उसी से आज चलकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए खासकर देव कुमार जी को मैं और तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के बहाने में पुराने साथी और नए साथियों से भी विवाद मंच पर हैं और कुल लोग से रूआबरू हुए, मैं उन लोग को भी तहे दिल से बधाई देता हूँ। आपका जो मूल समस्या है, क्योंकि मैं इसी समाज से आता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि प्रशासन और शासन और व्यवस्था में जो हम लोग को पत्राचार किया जाता है वो मूल समस्या है। हमारे माधव कुमार जी जो ठाकुर जी हैं, उन्होंने तो बताए विस्तार से कि इनका जो साकारता का जो नियम है, जो व्यवस्था है, उसके बारे में। लेकिन आए दिन जो मैं देखता हूँ कि मेरा समाज जो समाज का सेवा भी करता है और सरकार को टैक्स भी देता है, फिर भी हम लोग को पत्रातीत किया जाता है। क्योंकि मैं लहरियासराय गुदरी में था जिस समय, क्योंकि मेरी तो बराबर बदलते रहे मैं जगह को, सेवा के भाव से ही समाज की सेवा या राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं गया। प्रशासन, क्योंकि हमारे मंच पर बहुत से पॉलिटिकल पार्टी और समाज सेवी अवसर करता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा हूँ कि समाज के लोग जो सब्जी बेचते हैं, खुदरे या गाड़ी लगाते हैं, उनको पुलिस बहुत जगह यहाँ क्या है वो पैसा लेता है और पत्रातीत भी करता है, अब सब भी बोलते हैं। बाजार की व्यवस्था नहीं रहने के कारण हम लोग जहां तहां मार्केट में लगाते हैं, वहां जो अस्थाई दुकान पहले से जो खुदरा व्यवसायी को क्या कठिनाई होती है, उसकी दोहरा शोषण किया जाता है। कुछ लोग तो सामने में जो सब्जी बेचते हैं उनसे वो भी पैसा लेते हैं और कुछ प्रशासन भी लेते हैं। इसकी मांग के अभी ट्रक से आने की सवाल जब हुआ है कि उसको यहाँ तक, आखिर हम व्यवसाय करते हैं हमको कहाँ मिलेगा सम्मान, जबकि मैं समाज का आप सेवा करते हैं, सत्ता को आप टैक्स देते हैं, चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो, चाहे कोरोना की काल हो, एक ऐसी समाज है जो अपनी जान की बाजी पर खेल कर आपने समाज को और सरकार को सहयोग करते हैं, फिर भी मेरी स्थिति चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि मैं संगठित और जागरूक नहीं। आज जो तेवर आपने दिखाया है, आप संगठित हुए, मुझे गर्व है। लेकिन जिस दिन हम संगठित और गतिशील जागरूक हो जाएंगे,
तो समाज भी और मेरे पॉलिटिकल पार्टी के तो हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मानसिकता बदल चुकी है और इस सहयोग करने के लिए तैयार है, तो मुझे मान सम्मान अवश्य मिलेगा। कुछ उद्देश्य है आज किसान सब्जी थोक व्यापार संगठन के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में जो वर्षों से मांग रही है, जो दरभंगा शहर में फल और सब्जी थोक व्यापार करने के लिए जो मंडी की मांग रही है, उसी मांग को लेकर पुनः एक बैठक हुई है। इसमें सभी सब्जी विक्रेतागण अपने अपने कष्ट दुखों को जो है इस बैठक के माध्यम से जतलाए रहे हैं और अपने बातों को हम लोग के समक्ष रख रहे हैं। इससे पूर्व भी मंडी की समस्या को लेकर, जब पूर्व में एनडीए की सरकार थी, हम वर्तमान में भी और पूर्व में भी इस मंडी की समस्या को लेकर सरकार और सभी प्रतिनिधियों के और शासन प्रशासन सबों के पास मंडी की समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक दरभंगा शहर में फल और सब्जी बेचने के लिए मंडी का निर्माण नहीं हो सका। इसके लिए बहुत दुख है, व्यापारियों में आक्रोश है, जो अपने आप में बहुत ही ये बतलाता है कि बार बार अपनी मांगों को रखने के बावजूद भी इनकी मांग को पूरा न होती है, जिसके कारण जो है ये बहुत मायूस हो रहे हैं। बैठक में देखा गया कई राजनीतिक संगठन के लोग हैं और जो लोग सरकार में हैं वो भी मौजूद हैं, तो आपकी मांगों को किस तरह से उन्होंने लिया है? इन मांगों को देखते हुए, इन समस्या को देखते हुए इस बैठक में आए हुए उपस्थित सभी जितने भी राजनीतिक दल के संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, उन्होंने सबों ने आश्वासन दिया है कि हम इस दुख दर्द में इनके साथ हैं और अपनी सरकार के माध्यम से जितना जल्दी हो इन मंडी की मांग को लेकर पुनः सबों को अवगत कराया जाएगा और इस मंडी को जो है दरभंगा में फल और सब्जी मंडी का निर्माण अवश्य कराया जाएगा। क्या लग रहा है मनीष जी, अभी आप लोग सरकार में हैं, अभी सरकार के कई नेता यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है इन लोग का जो मांग है पूरा होगी मार्केट को लेकर करके, कि इन लोग का मंडी नहीं है, हमेशा कभी लाठीचार्ज होता है, कभी गाली बात का सामना करना पड़ता है, तो क्या लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार बनी तो आप लोग इस सरकार में इस बार इन लोग का मांग पूरी हो जाएगी? ऐसा तो ये वर्षों से मांग रही है, पुनः इस बार एनडीए की सरकार बनी है तो हम लोग का आशा पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस समस्या को जो समाधान करने हेतु अग्रसर होगी और निश्चित रूप से दरभंगा में फल और सब्जी मंडी का निर्माण। जी थोक विक्रेता का अध्यक्ष हूँ और मैं आज सभी लोगों के द्वारा एक आज मीटिंग बुलाया गया जिसमें हम लोग सभी पार्टी के लोग को उपस्थित कराया गया। सो हम लोग का मांग रहा सभी पार्टी के लोग से कि हम लोग को मार्केट जल्द से जल्द, पूर्व में भी कितना बार मांग को रखा गया था कि हम लोगों को सब्जी मंडी कैसे अवगत हो, उसके लिए इस बार भी यही मांग को दोहराया गया है और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या को हम पूर्व फिर से सरकारों की पूर्व सरकार जो संगठित हुआ है उसके बीच ले जाएंगे और आपकी मांग को रखेंगे, जो आप लोगों को मतलब एक इज्जत से एक जगह बेचने के लिए मान सम्मान जो आप लोगों का तय मतलब दिन प्रतिदिन जो पुलिसों के द्वारा प्रशासन सामाजिक और आर्थिक जो नुकसान होता है उसका हम कैसे भरपाई करें इस बात को रखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग अपनी बात को मंत्रियों से करेंगे जो आपकी व्यवस्था को देखेंगे आगे करेंगे। क्या आश्वासन मिला है, जबकि दोनों दल के नेता बीजेपी का भी है जदयू का भी, क्या लग रहा है? अभी दो सरकार का गठन हुआ है, दोनों जदयू और भाजपा दोनों के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बोला है कि आप लोगों का सहयोग हर तरह से आप लोगों का सहयोग किया जाएगा, हम लोग आपकी बात को लेके जो इस विभाग के मंत्री हैं उनके पास जाएंगे और आपके लिए मंडी का निर्माण कैसे हो इस चीज़ पे उनसे बात करेंगे।